बात करते हैं बिलासपुर की, जहां पे अतिक्रमण पर चला है बुलडोजर। 300 से ज्यादा घरों को खाली कराया गया है। लोगों ने नगर निगम की कार्रवाई का विरोध किया। नगर निगम ने कई बार नोटिस दिया था, घर नहीं खाली करने के बाद नगर निगम ने आज कार्रवाई की है। तो 300 घरों को खाली करवाया गया है। हालांकि आपको बता दें कि नगर निगम की तरफ से पहले कई बार नोटिस दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद इन घरों को खाली नहीं किया है। और आज फाइनली नगर निगम की तरफ से इन अवैध कंस्ट्रक्शन को, इलीगल कंस्ट्रक्शन को ध्वस्त किया गया है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे नगर निगम का पीला पंजा चला है। 300 से ज्यादा घरों को खाली करवाया गया है। हालांकि नगर निगम की तरफ से पहले से ही नोटिस दिया जा चुका था, बल्कि एक बार नहीं कई बार नोटिस दिया था, इसके बावजूद लोगों ने अपना घर खाली नहीं किया था। और आज नगर निगम की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई और ये सख्त एक्शन लिया गया है। हालांकि ग्रामीणों की तरफ से इसका विरोध किया गया, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहां पर पुलिस फोर्स की मौजूदगी में नगर निगम की कार्रवाई हुई है। भाजपा वाले कांग्रेस वाले दोनों बोल रही से के अंत नहीं जाए, यही में टोर के बनाबो कहके। और जब वक्त आ गई से तो ना हमला नोटिस दी से ना कुछ नहीं, अब इकट्ठा टोर टोर के जाते। और जल मिले है और जल घर नहीं मिले, बार बार जाते तो कहते वहां दे जा, बाद में देवो बाद में देवो, तो कब बाद में दही, जब भगा दही तब दही, रोड में ला के बैठा दिए। चाचा मेरा यही समस्या है कि मैं इसी मोहल्ले का रहने वाला आदमी हूँ। इस मोहल्ले में सभी को छोटे से लेके बड़े तक के पूछ लीजिए, और मेरे छोटे भाई को दिया है घर और मेरे को नहीं दिया है घर। और मेरे छोटे वाला भाई जो आप आए, एक हाथ कटा हुआ है, और छोटा वाला भाई फेकूराम साहू है, सामने सुलभ कॉम्प्लेक्स है, सब पास में उसका घर है। और उसको भी वहाँ भी जो घर दिया है उसके सामने ठेला रखा था, उसको भी हटा दिए, तोड़ दिए, फेंक दिए। पारा संजय नगर में पूर्व में इनको नोटिस देख के इनको मकान भी अलाउड कर दिए गए हैं अटल आवास। इनके द्वारा कुछ सामान वहाँ रख लिया, कुछ यहाँ पर सामान रखा गया, खाली नहीं किया। तो आज ये कार्रवाई कर रहे हैं कि पूरा खाली करके मकान तोड़ा जा रहा है। कितने मकानों में? ये करीब 250 से 300 मकान है जिनको कि तोड़ना है।